Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इन दिनों दौसा दुग्ध अवशीतन केंद्र पर जिस तरह से मिलावटी दूध का गोरख धंधा चल रहा है और विभाग भी लीपापोती करने में लगा हुआ है, जिसके चलते दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा है कि जो लोग जनता को जहर पिला रहे हैं उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दूध व मावा सहित अन्य सामान में मिलावट करने वालों के खिलाफ सरकार को सख्त रुख अख्तियार करते हुए इन्हें सबक सिखाना चाहिए। जब से मैंने दौसा में भी दूध की डेयरी में मिलावट की बात सुनी है, तब से इनसे सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। विधायक ने कहा, मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने मिलावटी खेल को पकड़ा है, और साथ ही मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से सकारात्मक रुख अपनाते हुए इसका पर्दाफाश किया है, वह काबिले तारीफ है। इसमें सरकार को भी सख्त कदम उठाते हुए दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। दूध की मिलावट के मामले में जिला कांग्रेस के महासचिव रामनिवास गांगड़िया ने भी कहा है कि जिस तरह से लोगों को दूध के नाम पर सफेद जहर पिलाया जा रहा है, जिस तरह से दौसा अवशीतन केंद्र पर मिलावट का खेल खेला जा रहा है, वह उस सरकार को सख्त रुख अपनाते हुए दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़ इंडिया। जब मैं हूँ चाहे कोई और हो, जिस तरह का दूध में मिक्सअप हो रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लाते हैं लोग बाग, और दूध में नकली दूध बन रहा है, नकली मावा बन रहा है, नकली पनीर बन रहा है, नकली घी बन रहा है। सरकार को उसके खिलाफ बहुत जबरदस्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी हाल ही में पकड़े हैं हमारे कुछ लोग, उनकी तो मैं प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने जिनको पकड़ा है, और आगे भी ये कार्रवाई सतत रहनी चाहिए ताकि जनता इस जहर से बच सके। लेकिन इस वजह से सुनने में आ रहा है कि जो डेयरी के जो विजिलेंस के अधिकारी हैं वो खुद इसको लीपापोती करने में लगे। ऐसा हम कोशिश करेंगे, कोई लीपापोती नहीं होगी, आने वाले टाइम बहुत सरकार करवाएंगे जिन्होंने जो पकड़ा के अंतिम अंजाम तक लेके जाएंगे इस मामले। बिल्कुल, इसको भी आगे भी कोशिश करेंगे बंद हो, दूध किसी प्रकार का मिक्सअप हो, चाहे दूध में हो, चाहे घी में हो, चाहे पनीर में हो, वो सब बंद होने चाहिए।